नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। कस्बा देवबंद में 3 दिन पूर्व कोतवाली क्षेत्र के भाईला गांव स्थित इंटर कॉलेज के छात्रों को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 1 तमंचा और 1 कारतूस भी बरामद की गई। इस संबंध में मंगलवार को कोतवाली में मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि भाईला इंटर कॉलेज के पास नहर की पटरी पर छात्रों पर फायरिंग करने वाले वांछित अभियुक्तों अरुण को शरण देने वाले आरोपियों को देवबंद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया है कि 17 दिसंबर को भाईला इंटर कॉलेज के 2 छात्रों को 2 युवकों ने रंजिश के चलते गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। कोतवाली में घटना का अनावरण करते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी शिवम उर्फ विश्वपुत्र जगमोहन त्यागी निवासी ग्राम चौखड़ा थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर और अचिन उर्फ रविकांत उर्फ रवि त्यागी पुत्र रजनीश निवासी खेड़ा अस्सा थाना देवबंद को भाईला फाटक से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोरवा, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं आरोपियों को शरण देने वाले कन्हैया पुत्र जंगू जड़ोदा पांडा और अभिषेक पुत्र संदीप जड़ोदा पांडा थाना बड़गांव को उनके मकानों से गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस दौरान हृदय नारायण सिंह प्रभारी निरीक्षक, अजय कुमार ब्रजपाल सिंह रजत और कपिल कुमार आदि मौजूद रहे।